ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਨਰਸਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਵਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿ ਫਿਰ ਵੀ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ 15 ਘੰਟੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਭ? ਓਕੇ ਅਫਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਉਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वापिस आते हैं, हमारे अमृत पाजी ने लंगर की सेवा रखी है। अमृत पाजी बोलते हैं पाजी, वो बारा ही दिन है, सारे आए हो। बाबे ने बुलाना ही अपने ब्याह ते, बिना कार्ड तो बुला लिया। तो बढ़िया कितना बाबा ही ने। Thank you.
चिंगारी आके गिरी और धमाका हुआ ऐसा कि लोगों की जान चली गई और सब बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा था। अंदर सब लंच कर रहे हैं और यहाँ पे हम घूम रहे हैं। हाय गाइस, सत श्री अकाल, होप करता हूँ आप सही होंगे मजे में। ये प्रसाद अमृत भाई ने बांटा था बाबे के ब्याह पे। ट्यूबवेल चल रहा है, झोने नु पानी लग रहा है। चल पापा के देखो, बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ बने हुए इकट्ठे एक जगह हुए हुए पड़े हैं। यहाँ पे अब चाय पीने आए हैं, चाय पीते हैं क्योंकि चाय का टाइम हो गया।
इस होटल वाले ने किसानों का बहुत साथ दिया। इसी का होटल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। हालांकि सरकार ने इनके ढाबा बंद करनी भी चाहिए, ढाबे के आगे पत्थर लगा दिए। टाइम हो रहा है एक और अब हम पहुँचे हैं अपने घर। भूख भी बहुत लगी है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। और ओहो तुमने बोलना ज़रूरी है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए टिल देन ओके बाय बाय, टेक केयर। अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं।